बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपको समझना पड़ेगा वो घर के अंदर सजेशन फॉलो करने बहुत हार्ड है। आसिम थोड़ा सा फॉलो करने की ट्राई कर रहा है, कुछ ऐसे ऐसे डांस करते हुए बात कर रहा है आजकल, लेकिन फिर भी लड़ पड़ता है। और सिद्धार्थ को तो मैं बोल के आया, जैसे वो खेल रहे हैं बहुत बढ़िया, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, उनका ब्रेन IQ लेवल बहुत हाई है। शहनाज को भी बोल के आया था कि फ्लिप फ्लॉप मत कर, लेकिन वो फिर भी कर देती हैं, तो उसी लिए देखो उसको प्रॉब्लम आ रही है उनको। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, वो घर रोज़ चेंज हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। सिद्धार्थ इतने स्ट्रॉन्ग लड़के हैं, उन्हें ऐसे प्रोवोक नहीं होना चाहिए था। आसिम को उनकी थोड़ी दुखती रख पता है, तो थोड़े ज़्यादा प्रोवोक कर रहे हैं, पर सिद्धार्थ के भी फर्ज बनता है कि नहीं प्रोवोक हों। और मुझे लगता है एक आध दिन जब सोएंगे, जैसे बिग बॉस ने बोला तुम लोग दोनों अलग अलग सो जाओ, तो सोने के बाद जब उठे तो ठीक हो गए। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, बिग बॉस में एक आध दिन पागल हो जाते हैं, अगले दिन ठीक हो जाते हैं। नहीं मुझे लग रहा है, देखो आपको समझना पड़ेगा, सिद्धार्थ ने बहुत मौके दिए। मैं बोल के आया था सना को कि सना तुझे समझना पड़ेगा, अगर तूने सिद्धार्थ की बात सुननी ही नहीं तो पूछ ही मत। वो 100 बार तुझे एक चीज़ समझाता है, तू फिर भी नहीं सुनती, करती तू अपना है तो फिर तू अपना ही करना। तभी हमने ट्विटर वालों को भी बोला कि भाई जो सिड के फैन है वो सिड के साइड हो जाए, शहनाज के फैन शहनाज के साथ हो जाए, लड़ाई मत करो, एक ही जीतेगा। मैं तो चाह रहा था लास्ट वीक तक साथ में चलें, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। आपको इसमें सही की बात ही नहीं है, आसिम को समझ में आ गया कि सिद्धार्थ अगर मुझे पंच मारेगा तो ये शो से बाहर चले जाएगा, तभी हम जीत सकते हैं। बिल्कुल, अभी कोई भी सिद्धार्थ को हरा नहीं सकता, तो अभी कोई मार के ही बाहर जाएंगे तो ही कोई और जीत सकता है, वरना सिद्धार्थ ये शो जीत चुके हैं।